क्या कहेंगे आज? आज हमारे शेख साहब जो हमारे बहुत करीब के दोस्त और हमारे पठान साहब के भी रिश्तेदार हमारे जो बॉडीगार्ड है उनके और उनके आज सेवानिवृत्त आज बोले तो निरोप समारंभ उन्होंने आज सबको बुलाया था पूरे कन्नड़ तालुके के सब लोग मान्यवर यहाँ आए उनके दोस्त बरदर सब आए और उनके जो उनके बारे में जितना बोला उतना कम है। उनको एक ही बात बोलते कि उनके बारे में बोलते हमारे आतिक साहब ने भी गाड़ी में बोला कि वो ज़्यादा वैसा कभी आया भी तो ज़्यादा टाट के बोलते नहीं बोले, खामोशी से सुन लेते बोले वो, तो एक खामोशी हज़ारों बलाएं टाल देती है। तो वो शेख साहब दिखते हमको और उनकी मोहब्बत है और जो अच्छे काम करने वाले को कोई भी पॉलिटिशियन कोई पार्टी ऐसा कुछ नहीं रहता उसको, जो अच्छे काम करने को कोई पार्टी लगती नहीं, जो वो जिसके उसके हिसाब से काम करते रहता सेवा करते रहता वो ऐसी भी सेवा करते जाए अभी तक और इसके आगे चार गुना करेंगे, खुल के करेंगे अभी खुल के करेंगे और वो तो अंदर की बात है, वो तो हमारे साथ में जो पहले से जो हो तो ज़्यादा ना बोलते हुए वो पूरे कन्नड़ सोएगा मतदार संघ के तरफ से पूरी जनता के तरफ से माँ बहनों के तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता और उनके आज की जो भी 58 साल की उम्र लग रही उनकी तो 58 साल की उम्र नहीं थी उनकी, वो मेरे हिसाब से वो गलत कुछ लिखा होगा उनकी उम्र मेरे को कम से कम उनकी कम 45 ही उम्र लग रही है सब बोल रहा हूँ आपको। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आपको सबको शुभकामनाएं हमारे बोलो तो जो खास हमारे पठान साहब के ससुर साहब और हमारे खास उनको देखने को आया था बीमार गिरे थे बहुत मोहब्बत के आदमी है, उनकी मोहब्बत की वजह से आज मैं भागते भागते यहाँ आया, सब मिला सबको मिला मेरी तरफ से पूरे सब दोस्त लोगों को सबको शुभकामनाएं। इतना दो सवाल है, दो प्रश्न है। सवाल ये सर, जब लोग रिटायर होते हैं बड़ी पद से अक्सर ये होता है कभी राजनीति में आते हैं, कभी चाहेंगे कि आप राजनीति के अपने मित्र बने? क्यों नहीं आने को ना, राजनीति ऐसी कुछ राजनीति ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर रेखेच लोगों के कामा भी होते हैं, उसकी पहचान होती है, वो कोई भी पार्टी का सिम्बॉल कोई भी पार्टी का हो वो जाता लोगों को मिलता है कि मेरा ये काम है इसको खंबा के इसकी लाइट गई इसकी डीपी का फ्यूज डालो यहाँ पर लाइट बिठाओ यहाँ पर ड्रेनेज साफ करो कुछ पानी आ रहा नहीं तो अधिकारी से बात करेंगे तो उसकी पहचान रहेंगे तो अधिकारी उसको पहचान से देखेंगे। तो वो उन्होंने आने को जो होना हर आदमी ने आने को होना, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छे काम करने के लिए अच्छे पॉलिटिशियन अच्छा है और तुम गलत काम करेंगे बोलेंगे पॉलिटिशियन को नाम रखेंगे वैसा नहीं चलेंगे इसको। सर आने वाले समय में आपको तो पता है हमसे कि महाराष्ट्र में उत्तर पुत्र का दौर चढ़ा उलट फिर की राजनीति चल रही है, कन्नड़ की जनता को आप जनता को संदेश देंगे कि ऐसे हालात में हमें किस तरह से हमें हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है, कैसा मजबूत विकास की तरफ जाना है, कोई ऐसा कोई संदेश खुला या छुपा? संदेश खुला में कुछ नहीं, हमको हम जो हमारा कन्नड़ तालुका सही रास्ते पे चल रहा उनको क्या रास्ते पे चलने को होना वो रास्ते पे चल रही जनता चल रही जनता ने जनते को समझा कि अपना प्रतिनिधि कैसा होना इसलिए उन्होंने मेरे को चुन के दिया वो चुन के दिया उन्होंने, वो गलत नहीं था, वो बार बार साबित हो रहा अभी ये उल्टा पलट में साबित हो रहा। नहीं तो मैं भी इधर उधर उधर जा रहा था वो बोलता था कि भाई मतदान करना कि नहीं करना कि पेटी फोड़ डालना नीचे तो वो उनको अभी लग रहा है कि भाई अपन ने जो करा अपना मतदान गलत नहीं था, आदमी सही था, सही रहने की वजह से कि भाई अपना कुछ मैं कभी इधर उधर चल जा रहा कुछ गलत काम कर रहा तो उनको भी गुस्सा आता था कि जो भी आदमी अपन चुन के देते साला ऐसा कैसा निकलता। तो अभी उनको भी लग रहा कि अपनी सोच अच्छी थी, अपना आदमी सही था, अपन ने 80,000 वोट दिया, 20,000 के लीड से चुन के आने वाला आदमी गलत नहीं था, वो सही था और अपन सही साबित करके बिताएंगे आने वाले वक्त में। सर मैं कन्नड़ का मैं दो बार दौरा किया हूँ और वहाँ के हर्षवर्धन यादव साहब आपके मतलब विरोधी कह सकते हैं काफ़ी जोर लगा रहे हैं, बिरासमी कही है, आने वाले समय में आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं राजनीतिक तौर पर? मैं बोलता क्या हर पार्टी ने हर आदमी ने हर कैंडिडेट ने जिसके उसकी तरफ से जिसका उसका जोर लगाना, मगर मैं खुद क्या कर रहा पहले मैं देखूंगा मैं कितने स्पीड से चल रहा है क्या मैं बैठे ले कि मैंने सोचना हो तो मेरे को मालूम है क्या मैं ये वो स्पीड से चल रहा। हर गांव के अंदर मैंने चुनौती दी थी क्या भाई जो गांव में काम हुआ नहीं वो गांव के आदमी ने मेरे पास आना और 1,51,000 रुपये बख्शिश लेना, ऐसा मैंने हर गाँव के अंदर 3 साल के अंदर बोला था। तो मेरे को समाधान कारक जो जो लगता वो काम करने का मैं कोशिश कर रहा और अच्छी तरह से काम चल रहा। अभी काम तो हर गांव के अंदर वैसे बोलूँ तो आज 20-20 करोड़ रुपए भी डाल दिए तो काम नहीं होंगे, पानी के रास्ते है, ड्रेनेज लाइन है, सीमेंट रास्ते का प्रॉब्लम है, घरकुल है, सब बातों का भी वो जितना होता उतना करने का काम कर रहे हैं हम। सर का आखिरी सवाल, जो आजकल जो धर्म की और नफरत की राजनीति कर रहे हैं ऐसे माहौल में समीकरण में क्या संदेश देंगे आप? आपका कुछ आज विशेष संदेश? अभी कैसा रहता कुछ कुछ बातें ऐसी रहती
तो कुकर भी सिट्टी मारते जब तक मारती, वैसे कुकर सिट्टी मार रही है अभी। वो कुकर जब सिट्टी मारेंगे और जब सिट्टी बंद हो जाएंगे तो ढक्कन खुल जाने वाला है वो, तो तुम समझ लो तुम अभी हो। और कुकर की सिट्टी मारते मारते अभी ढक्कन निकलने की टाइम आ चुका है। अभी अपन कोई पार्टी को नाम रख रहे नहीं, वो जिसकी उसकी राजनीति हो, मगर अभी जो हो रहा मेरे हिसाब से एक तरफ से जो जो होना था, जिसका जिसका दिल जैसा बोले वैसा हो जान दो, अब एक बार आप हो जान दो, उसको मत रोको अभी। ये 24 तक जो होने का वो हो जान दो, ये 5 साल वही काम के थे। सर क्या कहेंगे आज, आज आमदार सामाजिक संगठन काफ़ी लोग मौजूद है, कैसा लग रहा है आज का पलदा? बहुत कुछ अच्छा लग रहा मुझे। हमारे गाँव के आमदार साहब, घर सचिव के अध्यक्ष साहब, हमारे दौड़ साहब, मामा, ये सब आए और मेरी सर्विस 35 साल की हुई कन्नड़ में औरंगाबाद, और हर डिपार्टमेंट से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और सब लोग मुझे चाहने वाले हैं। और मैं आज रिटायर हुआ हूँ और आगे भी मैं कोशिश करूँगा सबको मदद करने की। शुक्रिया सर। कन्नड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर राजनीति का गढ़ माना जाता है, ऐसे क्षेत्र के अंदर काम करना, अपने आप को मतलब मजबूत खड़े रहना कैसा लगता है? कैसा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर राजनीति से मिला हूँ और जिसके उसके पॉलिटिक्स से मैं सबसे संबंध हूँ और सबका मैंने दिल रख के पूरा काम किया हूँ। मैंने गठबंधन के साथ काम चल गठबंधन के साथ लेकिन अच्छे। क्या कहेंगे आज, बहुत कम, हम भी पत्रकार हैं, बहुत कम देखने में आता है कि इतना प्यार आमदारों का, खासदारों का और आप जो भी समाज सेवकों का मिलता है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे, सब आए और मुझे खुशी लगी और आगे भी मैं इनका काम करूंगा जब तक रहे। मैंने आमदार साहब के साथ सवाल किया था कि साहब सेवा के बाद बहुत से समाप्त होती के बाद लोग राजनीति भी जाते हैं, इरादा है कि मतलब कुछ इरादा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऑफर मिले हैं 2-3 मिले। माजी आमदार, हम जो नगर अध्यक्ष माजी अलहमदुल्ला, अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि ऐतिहासिक अब्दी मंडी दौलताबाद ने मेरे करीबी दोस्त इस्माइल पठान, इनके ससुर साहब अयूब भाई, जो कन्नड़ के हाल ही में आज जो उनका रिटायरमेंट हुआ, बहुत देख के खुशी हुई कि 34 साल उन्होंने अपने डाले और 34 साल के बाद आज रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ से जो है तो रनिंग आमदार और जितने भी कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता या और कोई भी पार्टी बल के लोग, उनका काम को देखते हुए आज उनको विदाई के मौके के ऊपर मुबारकबाद देने के लिए आए। इसलिए मैं भी दौलताबाद से सामाजिक कार्यकर्ता शेख लाला, मेरे तरफ से मुबारकबाद देने के लिए हमें दौलताबाद से कल्याण भाऊ और अरुण भैया, सभी हमारे दौलताबाद के जितने भी सरपंच आजी माजी सभी आए, बहुत दिल की खुशी हुई। और मैं दिल से अयूब भाई को और इस्माइल पठान को भी और नूर खास साहब को, इनको सबको मुबारकबाद देता कि इस गम का भी और खुशी का भी मौका है, लेकिन एक हिसाब से खुशी बहुत देखने को मिली। अल्लाह ताला ने उनके 34 साल यहाँ तक निकाले और बाकी आगे की जो ज़िंदगी वो तो अल्लाह के हाथ में। मैं तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोलता है कि आप अब जो है तो हज को उन्होंने अपना नंबर लगा देना, बाकी जिंदगी इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे और वो हज को जाएंगे। अब बाकी 34 साल तो उन्होंने अपने कार्यकाल के गुजार दिए और बाकी अल्लाह के राह में गुजारना, बस ऐसी में दो बात अपनी बोलता, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद। क्या कहेंगे सर आज साहब के रिटायरमेंट? आज बहुत खुशी का दिन है हमारे वास्ते, हमारे कन्नड़ के, हमारे मैं उनका दामाद हूँ, इस्माइल पठानी हमारे ससुर साहब है अयूब साहब बोल के, और ये आज रिटायर हुए तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं कि एकदम सही अच्छे से और सही लोगों का दिल जीत के काम करके और सही मेहनत से काम किए, और उनका आज जो इतने लोगों की जो मोहब्बत है उनकी एक तोहफा है उनके लिए, जो आज इतने लोग हैं उनके लिए एक दिल चाहने वाले आए और उनको इस दिल से मोहब्बत दी और खुशी की एक मुबारकबाद दी है। तो मैं सभी आने वालों का तय दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने उनके वास्ते कीमती समय निकाल के हिना के मुबारकबाद दी है। सर अभी मैंने आमदार साहब के सवाल किया था कि रिटायरमेंट के बाद लोग राजनीति में जाते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके ससुर साहब कोई मतलब बड़ी पद पे जाए? नहीं, बड़े पद पे जाने का तो हर किसी का रहता है, लेकिन उन्होंने जो अभी सर्विस करे, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने बहुत अच्छे से सर्विस करे और इसमें वो बहुत खुश है। आप ये आमचे शेख साहब यांची सर्व सेवा औरंगाबाद जिल्ह्यातच गेली, त्यातल्या त्यात त्यांनी वैजापूर आणि कन्नड तालुक्यातच सर्व सहकाराला चांगली दिशा देण्याचं काम त्यांनी केलं। सर्व आमचे गट सचिव बंधू असतील किंवा बँक इन्स्पेक्टर, बँकेचे सर्व कर्मचारी, सहकार खात्याचा स्टाफ, या सर्वांना मिळून मिसळून एक रूपानं त्यांनी आजपर्यंत काम केलं आहे। ते आज जरी रिटायर जरी झाले असतील, आम्ही त्यांना रिटायर झाले असं समजतच नाही। आज या पुढीलही काळात आम्ही त्यांना बरोबरच घेऊन काम करणार असून त्यांचं मार्गदर्शनानुसारच आमच्या संस्थेचं काही लेखापरीक्षण इतर कामकाज त्यांच्या मार्गदर्शनानुसारच चालेल। त्यांना या सेवानिवृत्तीनिमित्त म्हणजे आमच्या सर्व गट सचिवांनी कन्नड तालुक्यातील सर्व सहकार विभागामार्फत त्यांना हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो। सरकार म्हणून या दोन्ही तालुक्यात ड्युटी अशी केली की त्यांनी नावलौकिक कमीला सगळ्या
सचिव लोकाला सोबत घेऊन सहकार खात्यातले सर्व कर्मचाऱ्याला सोबत घेऊन त्यांच्यावर एक रुपयाचा सुद्धा डाग लागला नाही असं त्यांनी काम केलं। मी माझ्या कन्नड तालुक्याच्या चिकलठाण सर्कलच्या वतीने शौर्यवीर त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।